सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, अ डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। तो जारी रखते हैं कैंडलस्टिक चार्ट स्पेसिफिकली सिंगल पैटर्न में। इससे पहले की दो वीडियोस में हम आपको मारुबोजु चार्ट, शाइनिंग टॉप और उसके अलावा डॉलिस के बारे में बता चुके हैं। ये बेरिश और बुलिश लेवल पे कैसे परफॉर्म करते हैं, आपका एनालिसिस कैसे रहता है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा हो चुकी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पेपर अम्ब्रेला और शूटिंग स्टार सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आपको बताएंगे, किस तरह से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपका एक्शन पोटेंशियली क्या हो सकता है प्रॉफिट मुनाफा बुक करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पेपर अम्ब्रेला बेसिकली आपको अपनी ट्रेड्स की डायरेक्शन सेटअप करने में मदद करता है। ये कुछ ऐसा दिखता है, इसकी रियल बॉडी काफी छोटी होती है और इस पे जो लोअर शेडो है वो काफी लंबा होता है। इसमें भी आइडेंटिफाई करने के लिए दो अलग अलग टाइप होते हैं। पेपर अम्ब्रेला अगर डाउनवर्ड वैली पे अपीयर होता है और बिल्कुल बॉटम एंड पे आपको दिखता है तो आप इसको हैमर पेपर अम्ब्रेला कह सकते हैं। वहीं अगर अपवर्ड रैली के टॉप पे अगर आपको ये पैटर्न दिखे तो इसको हैंगिंग मैन कहा जाता है। अब आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्जेक्टिवली आपको क्या देखना है कि जो इसका ये बॉडी है, आपको यहाँ पे ब्लू कलर और रेड कलर के दो बॉडी दिख रहे हैं, इसको रियल बॉडी कहा जाता है। ये वर्सेस जो ये पर्टिकुलर शेडो है, लोअर शेडो कहा जाता है इसको, लोअर शेडो जो है वो कम से कम दोगुनी होनी चाहिए रियल बॉडी के साइज से। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें कि एक स्टॉक है, उसका ओपन प्राइस है 100 रुपए, क्लोज हुआ वो 102 पे तो बुलिश हुआ, और उसका हाईएस्ट प्राइस पॉइंट 103 पे गया और वो सबसे लो उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन पे 94 पे रहा, तब आप ये देख पाएंगे कि जो क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस का डिफरेंस है वो 102 माइनस 102 बेसिस पॉइंट है। और अगर हम बात करें लोअर शेडो की तो ओपन प्राइस माइनस लोअर प्राइस 100 माइनस 94 6 है, तो 3 गुना का डिफरेंस है। हमारी कंडीशन है कि कम से कम 2 गुना होना चाहिए, तो आप इसको पेपर अम्ब्रेला समझ सकते हैं। लेकिन पेपर अम्ब्रेला में भी आपको पैटर्न देखना होगा और उस पैटर्न के बेस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये हैमर है या हैंगिंग मैन। अगर आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझने में मुश्किल हो रही है तो हमारा आपको एडवाइस यही है कि इसके पिछली वीडियोस आप जरूर देखें जिसमें हमने कैंडल स्टिक्स के बारे में बताया है, बेसिक सेटअप किए हैं और उस लेवल पे किस तरह से कैंडलस्टिक को देखना चाहिए उसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई है। हालांकि अगर हम इसको ही कंटिन्यू करें तो अगर हम हैमर पेपर अम्ब्रेला को देखते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि डाउनवर्ड ट्रेंड में अगर आपको लोएस्ट पॉइंट पे दिखता है तो उसको आप एक हैमर अम्ब्रेला की तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ज्यादा कलर या ब्लू है या रेड एक्चुअली ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि जो रियल बॉडी का साइज है वो काफी छोटा होता है जनरली। अगर हम इसी पर्टिकुलर ग्राफ का एग्जांपल लें तो आप ये देख पाएंगे कि जो प्रायर ट्रेंड रहा है दोनों केसेस में, ये एक डाउनवर्ड रैली रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जिसका मतलब बीयर्स ने पूरा कंट्रोल लिया हुआ है मार्केट का। अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो हर रोज मार्केट एक स्पेसिफिक प्राइस पे खुलता है और उस दिन के लोवेस्ट प्राइस पे वो बंद होता है। ये ट्रेंड कंटिन्यूसली चलता है कुछ दिन और सडनली एवरी डे वो जो स्टॉक है वो टैंक होता जाता है, गिरता जाता है और एक तरह से रोज अपना एक नया लो देखता है और वहीं पे ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर इसी डाउनवर्ड ट्रेंड में अगर ऐसा कोई सेशन आए जहां पे जो क्लोजिंग प्राइस है वो दिन के हाई प्राइस पॉइंट के आसपास बंद हो या उसके इक्वल ही बंद हो, तो उस केस में आप देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि बुल्स ने मार्केट में या स्टॉक में एंटर करने की कोशिश की और कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे। इससे ये बुल्स के एक्शन के कारण मार्केट का जो सेंटीमेंट है, स्टॉक का जो सेंटीमेंट है, वो लॉन्ग लेवल पे जा सकता है। बाइंग अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हैं उस पर्टिकुलर केस में। और अगर आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर करना है तो ये डिपेंड करेगा कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। आपको ये समझना जरूरी है कि हैमर पेपर अम्ब्रेला में लॉन्ग जाने का सजेशन होता है, मतलब आपको स्टॉक को बाय करना चाहिए। अगर आप
कि रिस्क एपेटाइट अच्छी है, अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आपको उसी दिन के क्लोजिंग प्राइस पे लॉन्ग चले जाना चाहिए, स्टॉक को बाय करना चाहिए ताकि आपको एक अच्छा खासा प्राइस पॉइंट मिल पाए, आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस पे आप प्रॉफिट मुनाफा बना पाए। लेकिन अगर आप एक रिस्क अवर्स टाइप ऑफ ट्रेडर हैं, आप थोड़ा सा कॉशियसली चलते हैं, तो आप एक ट्रेडिंग सेशन का इंतजार कर सकते हैं। अगले दिन अगर ब्लू कैंडल बनती है तो अगले दिन की जो क्लोजिंग प्राइस के अराउंड 3:20 के टाइप पे आप देख सकते हैं कि कौन सा प्राइस पॉइंट चल रहा है। अगर वो दिन बोले जाने वाला है, ब्लू कैंडलस्टिक बनने वाली है, तो रिस्क जो एवर्स ट्रेडर है वो क्लोजिंग प्राइस के अराउंड अपना स्टॉप प्लेस कर सकता है। लेकिन उस केस में ये भी समझना होगा कि जो रिस्क एवर्स यूजर है उसका जो बाइंग प्राइस होगा वो काफी ज्यादा हो सकता है रिस्क टेकर के बाइंग प्राइस से, तो आपको इन चीजों का अंदाजा लगाना पड़ेगा और डिपेंडिंग कि आप कब रिस्क लेते हैं उसके हिसाब से ही आपका मुनाफा डिसाइड होता है। और जहां तक बात है स्टॉप लॉस की, तो जो हैमर का सबसे लोएस्ट पॉइंट रहा है वो एक्ट करेगा आपका स्टॉप लॉस। और आपको ये भी मद्देनजर रखना है कि स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस के बीच में आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं होना है, सब्जेक्टिव नहीं होना है। ये हम पैटर्न रिकग्निशन में, अपने एनालिसिस में, जब भी आप डीप लेवल पे जाएं तो दो प्राइस पॉइंट जब आइडेंटिफाई होते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट, उसके साथ आपको रिलीजियसली फॉलो रखना पड़ता है अपने आप को। अगर इमोशनल बायस बीच में आएंगे तो आपका जो एनालिसिस है वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगी, काफी सब्जेक्टिव हो जाएगी और हर तरह के अलग अलग बिहेवियर्स पे आप अपना सब्जेक्टिव बायस लेके आएंगे, जो कि ट्रेडिंग के लिए एक अच्छी बात नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे टाइप के पेपर अम्ब्रेला की, जिसको कहा जाता है हैंगिंग मैन। अब इसका जो प्रायर ट्रेंड है वो अप ट्रेंड होना चाहिए, मार्केट बुलिश होनी चाहिए और एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे बियर्स एंटर करते हैं मार्केट में। इससे पहले बुल्स का कंप्लीट कंट्रोल होता है उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, नए हाईज नए लोज दिख रहे हैं, लेकिन जिस दिन हैंगिंग मैन पैटर्न एंटर होता है उस दिन बियर्स अपनी एक एंट्री मैनेज कर पाते हैं। इससे आप एम्फसाइज हो सकते हैं इस चीज से कि लॉन्ग लोअर शेडो आपको दिखेगी। यहाँ पे आप फॉर इंस्टेंस एग्जांपल देख सकते हैं, हालांकि कलर ब्लू स्टिक का ब्लू है लेकिन इसमें जो लोअर शेडो है वो काफी बड़ी है। और जैसे हमने शुरुआत में बताया कि लोअर शेडो कम से कम दोगुना होनी चाहिए इन साइज एज कम्पेयर टू द रियल बॉडी, जो रियल बॉडी आपको यहाँ पे ब्लू कलर से दिख रही है। और जब भी हैंगिंग मैन आता है ये केस बनता है स्टॉक के शॉर्टिंग का। अब इसमें भी डिपेंड करेगा कि आप शॉर्ट कब करते हैं, कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आपका जो शॉर्ट ट्रेड है उसी दिन क्लोजिंग प्राइस के अराउंड इनिशिएट हो जाएगा। वहीं अगर आप एक रिस्क अवर्स ट्रेडर हैं, आपको एक सेशन का, एक ट्रेडिंग सेशन का इंतजार करना पड़ेगा वैलिडेट करने के लिए कि वाकई वो हैंगिंग मैन पैटर्न कंटिन्यू होता है या नहीं, और अगले दिन एक रेड कैंडल वहां पे आपको दिखाई देती है या नहीं। तो इस बेस पे आप एज अ रिस्क अवर्स यूजर ट्रेडर आइडेंटिफाई कर पाएंगे हैंगिंग मैन को, और अगले दिन के जो बाइंग और क्लोजिंग प्राइस है उस पे आप सेल करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि जो प्राइस आपको एक दिन पहले मिल रहा था एज अ रिस्क टेकर वो काफी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगले सेशन में जो आपका क्लोजिंग प्राइस मिल रहा है, तो आपको सर्टनली कुछ प्रॉफिट आपका नुकसान होगा वहां पे। अगर हम एग्जांपल लें इस बीपीएसएल के स्टॉक का, एक ट्रेडिंग सेशन में आप देख पाएंगे कि ओपन प्राइस फॉर इंस्टेंस था 592, हाई प्राइस 593.75, लो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने देखा 587 का और क्लोज हुआ 593 पे, 593 पे। तो इसमें रिस्क टेकर ने उसी दिन अपना जो स्टॉक है वो शॉर्ट कर दिया 593 की क्लोजिंग प्राइस पे, वहीं रिस्क अवर्स ने एक दिन का इंतजार किया और अगले दिन की क्लोजिंग प्राइस पे जब उसने देखा कि रेड कैंडल यहाँ पे बनी तो वहां पे उसने अपनी शॉर्टिंग शुरू की। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड है काफी बेरिश रहा, उसके बाद स्टॉक मार्केट में स्टॉक की वैल्यू गिरी, बहुत रिस्क टेकर और रिस्क अवर्स यूजर्स ने कुछ ना कुछ लेवल पे मुनाफा कमाया होगा, लेकिन सर्टेनली इस एग्जांपल में एटलीस्ट रिस्क टेकर ने ज्यादा मुनाफा बनाया रिस्क अवर्स के कंपैरिजन। स्टॉप लॉस इस केस में हाई प्राइस रहेगा 593.75 जो हमने भी डिस्कस किया। तो इन चीजों का ऑब्जेक्टिव लेवल पे आपको अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है और जब आप प्रैक्टिकल लेवल पे इनका इस्तेमाल करेंगे, इन चीजों को, इन फैक्ट्स को मत भूलिए। अलग अलग पैटर्न्स हैं अभी तक जो हम आइडेंटिफाई करते आए हैं, उनका कुछ मतलब होता है ओवरऑल ट्रेंड में और वो कुछ आपको इंडिकेशन देते हैं, कुछ सिग्नल देते हैं और उस हिसाब से ही आप अपना ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लेस करें।
फाइनली बात करते हैं शूटिंग स्टार की। हमारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ये लास्ट कैंडलस्टिक है जिसको हम एनालाइज करने वाले हैं। इससे पहले काफी 6 से 7 कैंडलस्टिक्स सिंगल पैटर्न लेवल पे हम देख चुके हैं। इसके बाद हम मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न शुरू करेंगे अगले वीडियो से। तो जहां तक बात है शूटिंग स्टार की, इसको आप एक तरह से इन्वर्टेड पेपर अम्ब्रेला भी मान सकते हैं। कुछ ऐसा दिखता है ये, जैसे पेपर अम्ब्रेला का लोअर शेडो काफी लंबा हुआ करता था। इस पर्टिकुलर केस में लोअर शेडो ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, इनफैक्ट यहाँ पे अपर जो शेडो होता है वो रहता है। और इस केस में आपको रूल अप्लाई करना पड़ेगा कि जो अपर शेडो की लेंथ है वो कम से कम 2 गुनी होनी चाहिए रियल बॉडी की लेंथ से। अगर ये चीज आपके सामने है तो वो पैटर्न अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता है शूटिंग स्टार के। हालांकि कुछ कंडीशन और भी है। जहां तक बात है प्रायर ट्रेंड की, तो उससे पहले का जो ट्रेंड है वो बुलिश होना चाहिए। एक वॉक थ्रू लेते हैं। फॉर इंस्टेंस एक स्टॉक अच्छा खासा बुलिश चल रहा है, बुल्स पूरे कंट्रोल में है, उसका बाइंग प्राइस हर रोज एक नया हाई दिखता है। एक तरह से स्टॉक मार्केट का वो चहेता बन चुका है जहां तक इन रिटेल ट्रेडर्स की बात है। और इसी पर्टिकुलर ट्रेंड में एक पॉइंट ऐसा आता है जबकि उस दिन का उस ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस हाई पे जा रहा है, लेकिन एकदम से सेलिंग प्रेशर आता है और वो जो स्टॉक बंद होता है वो दिन के लोएस्ट प्राइस के ऑलमोस्ट क्लोज बंद होता है। तो एकदम से अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखता है उस स्टॉक के ओवरऑल ट्रेंड में। शायद कोई एक्सटर्नल न्यूज जो इम्पैक्ट करती है, और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से बिहेव करता है जब हम बात करेंगे शूटिंग स्टार के पैटर्न की। और इससे आपको इंडिकेशन होता है कि बीएस ने एंट्री मार ली है इस पर्टिकुलर ट्रेंड में, और अपने एक्शंस में अपने इंपैक्ट में वो अच्छे खासे सक्सेसफुल भी रहे हैं। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर इंस्टेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक का ओपन प्राइस फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 1426 था, हाई प्राइस 1453, लो ये हुआ करीब 1410 पे, और उसी के अराउंड ये क्लोज हुआ है 1417 पॉइंट्स पे। अब इस पर्टिकुलर लेवल पे जो रिस्क ट्रेकर है वो अपना शॉर्टिंग शुरू कर देगा, वो एग्जिट होना पसंद करेगा इसी लेवल पे उसी दिन। और रिस्क टेकर ने दो चीजें देखनी है, करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो दिन के क्लोजेस्ट लो प्राइस के ऑलमोस्ट बराबर है या नहीं, उसके अलावा जो अपर शेडो बना है अभी तक वो रियल बॉडी के लेंथ के डबल हुआ है या नहीं। अगर ये कंडीशन मीट हुई, रिस्क टेकर को अपना एक्शन पता लग चुका है और उसने अपनी शॉर्टिंग शुरू कर देनी है। वहीं रिस्क अवर्स यूजर है, वो एक दिन का इंतजार करेगा, अगले ट्रेडिंग सेशन में देखेगा कि रेड कैंडल बनती है या नहीं। अगर बनी तो हाँ, वो उस पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो करेगा और एग्जिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस केस में रिस्क जो अवर्स यूजर है उसको जो सेलिंग प्राइस मिलेगा वो सर्टेनली छोटा मिलेगा एज कम्पेयर टू जो सेलिंग प्राइस रिस्क टेकर को मिला। तो कुछ प्रॉफिट का यहाँ पे आपको डिफरेंस इजिली दिख पाएगा। इन केसेस में स्टॉप लॉस लगाना होता है दिन के हाईएस्ट प्राइस पे। तो इस केस में 1453 देखा था हमने, वो आपका स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करेगा और टारगेट आप उस हिसाब से रख सकते हैं। अगेन हम आपको जरूर याद दिलाना चाहेंगे स्टॉप लॉस और टारगेट के बीच में आपको सब्जेक्टिव बायसेस नहीं लेके आने जहां तक आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये है अलग अलग तरह के सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब आपको पहले ये देखना है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके कोरिस्पोंडिंग आप अपनी पोजीशंस देख सकते हैं। लेकिन पहले ये भी समझना जरूरी है कि अलग अलग जो पैटर्न्स हैं वो कब आते हैं, उनका इम्पैक्ट क्या होता है, और आपको उन पर्टिकुलर सिचुएशंस में किस तरह से एक्ट करना है। आने वाले वीडियोस में हम मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि अगर आपको स्टॉक ब्रोकर के चुनाव में कुछ मदद चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट digitalbroker.com/freecallbackbrokerchoice पे जाके अपनी डिटेल्स अपनी प्रेफरेंसेस बता सकते हैं। हम आपके लिए ब्रोकर सजेशंस आपको सेंड आउट करेंगे। हम अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स फेसबुक ट्विटर टम्बलर साइटर और यूट्यूब पे मौजूद हैं सेम हैंडल अ डिजिटल ब्लॉगर के साथ। आप हमें लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के कंटेंट से अपने आप को अपडेट रखने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और डेफिनेटली अगर आपके पास कुछ फीडबैक है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर नीचे बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।